नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जेल ग्राउंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 15 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नारी विकास समिति कार्यालय में किया गया। समिति के द्वारा बताया गया है कि 14 नवंबर को मंगल कलश यात्रा सुबह 10 बजे से कथास्थल से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः कथास्थल पहुंचेगी। कथा व्यासक विदुषी सुश्री स्वाति भारती जी कथा का वाचन करेंगी। 15 नवंबर को भागवत महात्म्य, 16 नवंबर को विदुर सुलभा प्रसंग, 17 नवंबर को प्रहलाद प्रसंग, 18 नवंबर श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 19 नवंबर बाल लीला, 20 नवंबर का गोवर्धन पूजन कंसवध, 21 नवंबर को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के साथ कथा का समापन किया जाएगा। जिले के नागरिकों से अपील की है कि जेल ग्राउंड हनुमान मंदिर के सामने दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। इस दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भोपाल आश्रम से स्वामी शारदानंद स्वामी, निर्मलानंद, अर्चना देशमुख, असीम देशमुख, राधा गुप्ता, सुदेश ठाकुर, आकाश चौरसिया, प्रशांत पटेल सहित अन्य मीडियाकर्मी मौजूद रहे। वैसे तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सभी कथाएं करते हैं, सभी पुराण पे करते हैं, लेकिन जो भागवत महापुराण है सभी ग्रंथों में सार कहा गया है, इसे पंचम वेद भी कहा है। और भागवत पुराण को है ना सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि जैसे कि भारतवर्ष में तीर्थ तो बहुत है, लेकिन सभी तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयागराज है, क्योंकि वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर भागवत की रचना देखा जाए तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना सरस्वती नदी के किनारे किए हैं। और इस भागवत का जो श्रवण है परीक्षित जी ने, है ना, सुखदेव मुनि के सानिध्य में जाकर गंगा नदी के किनारे श्रवण किए हैं। और इसी भागवत में क्या तीनों नदियों का संगम है, इनका जो वाचन है अभी बता रहे, लेखनी वेद व्यास जी ने कहा किया है सरस्वती नदी के किनारे, और परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि की कृपा से गंगा नदी के किनारे श्रवण किया है। और भगवान कृष्ण ने अपनी जो बाल लीला है समस्त बाल लीला यमुना नदी के किनारे किए हैं, इसलिए ये भागवत सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है और इसे अधिक पुण्य कहा गया है, इसका जो श्रवण करने का लाभ है, पुण्य है, अधिक मिलता है, इसलिए इस ग्रंथों को श्रेष्ठ माना गया है, महान माना गया है। और आप सभी जानते हैं कि भागवत की महत्व अधिक है। सत्य है कि ईश्वर दिखता है, लेकिन बात यह है कि हमें कोई दिखाने वाला चाहिए। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर दर्शन का विषय है, खाली मानने का नहीं, उसे जाना जाता है। आज तक जिस भी संत ने उस ईश्वर का प्रचार किया तो जानने के बाद ही किया। आप मीराबाई को देख लीजिए, देखा और उसके बाद वो गाती है। आप नामदेव जी को देख लीजिए, वो परमात्मा को देखते हैं उसके बाद उसका गुणगान गाते हैं। कबीर साहब देखने की बात करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी देखने की बात करते हैं, तुलसी साहब जिनका प्रारंभिक जीवन कैसा था लेकिन परमात्मा को देखा, उसके बाद उन्हें रामायण जी का जो है रामचरितमानस को लिख डाला। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को देखा जाता है। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, तो विवेकानंद जी अपने उत्तर में लिखते हैं कि ईश्वर जो है वो देखने का विषय है और मैंने उसे देखा है, क्योंकि वो एक चाहत थी उनके मन में कि परमात्मा को कैसे देखा जाता है, लेकिन जब उनको गुरुदेव मिले रामकृष्ण परमहंस वो उनको दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा देखने का विषय है लेकिन दिखाने वाला चाहिए। ग्रंथ कहते हैं घट में है सूझे न है, वो हमारे अंतर में है लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता, कहते इसलिए इस जिंदगी को महापुरुष ने लाड़ दे दी, तुलसी या संसार को भ्यो मूर्ति। तो हमारे को अगर आँखें हैं लेकिन अगर मूर्तियाँ भी ना जाए तो हमें दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे आगे माया का एक पर्दा आ जाए तो हमें कुछ नजर नहीं आता। अगर हमें परमात्मा को देखना है उस माया के पर्दे को हटाकर उस आँख के द्वारा गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर में उस ईश्वर का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। और आशुतोष महाराज जी इसी ज्ञान को जन जन तक पहुँचाते हैं और हम कहते हैं कि हमने उस ईश्वर को देखा है और आप उसे देखा।